हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये स्वेटर कंप्लीट हो गया है दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बैक पार्ट है। ये मैं फर्स्ट टाइम शायद दिखा रही हूँ आपको। ये बैक पार्ट मैंने बनाया है, ये लेडीज़ कोटी है, मैं अपने घर का बनाया है मैंने अपने बेटी के लिए। तो ये देखिए, ये बॉर्डर है इसका, इसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। और उसके बाद मैंने इतना बुन के, एक बीत के करीब बुन के, फिर मैंने ये वाला पैटर्न डाला है बीच में। कमर के पास थोड़ा शेप आ जाता है इससे, और काफ़ी अच्छा ढीला बड़ा स्वेटर है फ्रेंड्स। ये देखिए, अच्छा स्ट्रेच हो रहा है, ये अच्छे मोटे से मोटे लोगों को आ जाएगा। ढीला ढाला बनाया मैंने, ज़्यादा फिटिंग वाला नहीं है। तो उसके बाद कमर के ऊपर फिर मैंने ये वाला पोर्शन बुना है फ्रेंड्स। ये देखिए, इतना पोर्शन बुन के और फिर मैंने यहाँ पे ये घटा दिया है। ये ऐसा क्यों घटाया ये मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर से। ये पूरे मुड्डे रख दिए हैं और पूरे फंदे फिर मैंने ये घटा दिया है। तो ये फ्रेंड्स मेरा बैक पार्ट हुआ, ठीक है। ये फ्रेंड्स ये मेरा बैक पार्ट हुआ। अब इसके बाद मैं फ्रंट बताती हूँ। दो फ्रंट मैंने बनाए हैं, ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है फ्रेंड्स मेरे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब नीचे बॉर्डर से स्टार्ट करके बताती हूँ मैं। ये देखिए, ये बॉर्डर है। उसके बाद जैसे उसमें बैक में बनाया है उसी तरह बनाया है मैंने ये। इसके बाद फिर ये वाला पोर्शन बुना है जैसे उसमें बनाया था। उसके बाद फिर ये मुड्डे तक हमने बुनाई की है, और इसमें मैंने फ्रेंड्स इसके साथ ही बॉर्डर बुन दिया है। ये देखिए, इसके साथ ही मैंने बॉर्डर बुन दिया है, और यहाँ गले से घटाते हुए बटन पट्टी पूरा बनाते हुए, और फिर मैंने पूरा मुड्डे तैयार कर लिए। अब यहाँ पे क्या क्या किया है फ्रेंड्स, मैंने इसी को आगे बढ़ाते हुए बैक के लिए भी बना लिया है। अब इसको मैं बैक में जोड़ दूंगी, और ये वाला गले में जुड़ जाएगा। बैक में जो घटाई हुई है वहाँ से गले में ये जुड़ जाएगा। अब इसी तरह मैंने दूसरा पार्ट भी बुना है, ये देखिए, ये दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स, एक राइट और एक लेफ्ट। तो ये दूसरा पार्ट है, देखिए, ये इसका भी मैंने बॉर्डर बुन लिया है और यहाँ पे घटा दिए हैं, और यहाँ पे एक मैंने बटन होल रखा है। और उसके बाद फिर सेम वैसे ही मैंने इसका भी बैक ये बुन लिया है, बैक वाला, और ये भी बुन लिया है। इसको छोटा बड़ा कैसे करना है अभी जब हम इसको जोड़ेंगे तब हम बताएंगे कि इसको हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो पूरा तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको हमें जो है जोड़ना है, ठीक है। तो अभी हम इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे जोड़ना है अभी मैं बताती हूँ आपको फ्रेंड्स। अभी मैं इसको आपको जोड़ना बता रही हूँ। ये हम सीधे साइड से जोड़ रहे हैं, ठीक है, सीधे साइड से जोड़ रहे हैं ये। तो ये यहाँ की चोटी में से एक, और इधर से एक, ऐसे लेके ऐसा, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ऐसे, यहाँ से एक और यहाँ से एक, ऐसे। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कितनी अच्छी फिनिशिंग दिख रही है उसमें, एकदम लग रहा है जैसे मशीन से जोड़ा हुआ है। बताती हूँ मैं आपको अभी, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, फिनिशिंग अच्छी आ रही है इसकी, ये देखिए। तो इस तरह से हम ये पूरा यहाँ तक बंद कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताती हूँ आपको, कंधा जुड़ गया है। अब देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हमारा एक साइड का तीरा जुड़ गया है, ठीक है। अब हम ये वाला जो बॉर्डर हमने बुनाया है बढ़ा के, ये बैक साइड का मुड्डे का, ये तो सामने का मुड्डा बना हुआ है। अब ये पीछे का जो मैंने ये अलग से बॉर्डर बनाया है, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो इसको उसी तरह जोड़ना है फ्रेंड्स आपको, जिस तरह से लगे कि अच्छी सफाई से जुड़ रही है, आप जोड़ते जाओ इस तरह से इसको पकड़ के। ये फ्रंट साइड से जोड़ रही हूँ फ्रेंड्स मैं,
बैक साइड से नहीं जोड़ रही, ये इस तरह से। पता भी नहीं चल रहा है कि ये बॉर्डर हमने जोड़ा है। इस तरह से पूरा इसको यहाँ तक हम जोड़ लेंगे, एंड तक हम ये पूरा जोड़ लेंगे फ्रेंड्स, इसको यहाँ तक। ठीक है, मैं अब जोड़ के बताती हूँ आपको, थोड़ा सा और दिखा देती हूँ। कुछ नहीं है फ्रेंड, जैसे जोड़ते हैं हम कोई भी चीज़ को उस तरह से जोड़ना है, बस ये ध्यान रखना है कि अच्छा सफाई से दिखे हमारा काम, कहीं उसमें होल ना दिखे, एक जैसा दिखे, मतलब सुंदर से इस तरह से आपको जोड़ लेना है उसको फिनिशिंग से। आप चाहे तो बैक साइड से भी जोड़ सकती हैं, ये देखिए इस तरह से पूरा जोड़ लेती हैं उसको अभी। दिया मैंने ये देखिए, ये इस तरह से ये पूरा हमारा बॉर्डर जुड़ गया है दोनों तरफ से, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। मैं आपको बिछा के दिखा देती हूँ, समझ में आएगा अच्छे से। ये देखिए ये हो गया फ्रेंड्स हमारा। ठीक है, ये हाफ जैकेट बना रही हूँ मैं फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरे साइड भी ऐसा कर लेंगे, जोड़ लेंगे ऐसे ही सेम। ये बैक है, ये देखिए कितने अच्छे से जुड़ गया है, एकदम लग ही नहीं रहा बॉर्डर अलग से बनाया हुआ है। तो ये मैंने जोड़ दिया, अब इस साइड का भी जोड़ लेंगे फ्रेंड्स ऐसे। पहले तीरा जोड़ लेंगे और फिर ये बॉर्डर जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर ये सेंटर पे जो बचेगा ना हमारा, यहाँ पे हमको इसको एडजस्ट करना है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब वो बताती हूँ फिर मैं फ्रेंड्स। अभी मैं इसको आपको जोड़ना बता रही हूँ, ये हम सीधे साइड से जोड़ रहे हैं। ठीक है, सीधे साइड से जोड़ रहे हैं ये, तो ये यहाँ की चोटी में से एक और इधर से एक, ऐसे लेके ऐसा, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ऐसे, यहाँ से एक और यहाँ से एक, ऐसे। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कितनी अच्छी फिनिशिंग दिख रही है उसमें, एकदम लग रहा है जैसे मशीन से जोड़ा हुआ है। बताती हूँ मैं आपको अभी, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, फिनिशिंग अच्छी आ रही है इसकी, ये देखिए। तो इस तरह से हम ये पूरा यहाँ तक बंद कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताती हूँ आपको। कंधे जुड़ गए हैं देखिए, इतना फर्स्ट क्लास आया। अब ये सब जो है ये हमें पूरी फिनिशिंग करनी है जब पूरा स्वेटर कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ये हमारा पूरा हो गया फ्रेंड्स, अब हमारा काम बचा है साइड्स का। ये जो साइड्स है इसके, ये पूरा सिल लेंगे, ये यहाँ से मुड्ढे से पकड़ते हुए ऐसे पूरा लेते हुए पूरा नीचे तक, हम यहाँ तक हम सिल लेंगे पूरा। ये काम हो जाएगा हमारा, फिर हमारे यहाँ पे जो बटन होल हमने बनाया फ्रेंड्स, ये इसके ऑपोजिट में एक बटन लगा देंगे, बस हमारा पूरा स्वेटर तैयार। तो ये पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये स्वेटर मेरा तैयार हो गया, देखिए ये मैंने रखा है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये नीचे से है फ्रेंड्स, बॉर्डर से स्टार्ट है, ये देखिए इसमें एक बटन है फ्रेंड्स, और बाकी तो आपको दिख रहा होगा कितना सुंदर लग रहा है। ये पास से दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको, ये इसका गला है, ये अस्तीन के बॉर्डर है, यहाँ पे एक बटन है इसका, सिर्फ एक ही बटन लगाया फ्रेंड्स मैंने। आप चाहे तो कमर के यहाँ तक बटन लगा सकते हो, यहाँ तक, या तो यहाँ तक भी लगा सकते हो, और बटन मैचिंग भी लगा सकते हो। अभी मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लगाया है, मैं वैसे मैचिंग बटन ही लगाऊंगी उसमें।
डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स इसका, आप देख सकते हो। ये इसका बॉर्डर है और ये इसकी डिज़ाइन है फ्रेंड्स। ये बटन पट्टी है और ये साइड में फ्रेंड्स ये खुला भी रखा है मैंने थोड़ा सा, ये देखिए इतना ओपन रखा है दोनों तरफ। तो ये हमारे स्वेटर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स बनके, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। आपको अच्छा लगा होगा तो आप बनाइएगा फ्रेंड्स इसको, अपने साइज़ के अनुसार फंदे डाल के आप बना लेना। ये आस्तीन है फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने पूरा कैसे बनाना है इसको, देखिए। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट मेरा एक और स्वेटर अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सुंदर, वो भी लेडीज़ कोटी है, वो दिखाऊंगी मैं आपको अभी। अभी बैक पार्ट चल रहा है उसका मेरा, तो मैं आप वो भी दिखाऊंगी आप। थैंक यू फ्रेंड्स।